उधर मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर कल होगी सुनवाई। सीट पर हाईकोर्ट में कल होगी सुनवाई। गोरखनाथ बाबा ने दाखिल की थी याचिका, याचिका वापसी करने को लेकर कल फैसला। अधिवक्ता संदीप यादव ने दी है जानकारी। ये बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं, गोरखनाथ बाबा ने एक याचिका लगाई है मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर कल सुनवाई होनी है। सीट पर हाईकोर्ट में कल होगी सुनवाई। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर कल होगी सुनवाई और बताया जा रहा है कि गोरखनाथ बाबा ने एक याचिका लगाई है। ये बड़ी जानकारी देख पा रहे हैं आप, बड़ी खबर है ये, बड़ी जानकारी। अब इससे पहले 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, एक यही मिल्कीपुर पे नहीं हुआ। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया उसमें अयोध्या की मिल्कीपुर सीट का जिक्र नहीं था, बड़ा चर्चा का विषय था। अयोध्या के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने एक याचिका लगाई थी कोर्ट में, आज उस पर सुनवाई थी। क्या था पूरा मामला और क्या कुछ उस पर बात हुई? 2022 में जब हम लोग चुनाव लड़ते हैं, विधायकगण कोई भी लड़ता है, तो नोटरी बयान अल्पी होती है, शपथ पत्र होता है कि हमारे कागजात के लिए सही है, उसी के आधार पर हम लोग वहाँ SDM के सामने शपथ लेते हैं। क्योंकि जब हमको पता चला तो मैंने उस पर जनसूचना से तमाम तरीके से जो उसके मानक होते हैं, जब मैंने उस पर रिपोर्ट मांगी तो उसमें ये निकल कर आया कि उनके द्वारा जो नोटरी कराई गई थी वो 6 वर्ष पूर्व ही लाइसेंस समाप्त था। उस आधार पर उनका कागज बोकस हुआ, मेरी अपील हुई, इसको कोर्ट ने माना और सबको इशू नोटिस कर दिया, उसकी सुनवाई चल रही थी। इसी बीच में एक बड़ा घटनाक्रम होता है, अयोध्या से वो चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और उस पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दिया तो उस सीट, उस पूरे विषय को शून्य मान लिया जाता है। परंतु जब चुनाव आयोग ने कल ये निर्णय दिया कि नहीं, इसको उस अपील के वजह से रोका जाता है, तो हम लोग भी बहुत, चूँकि 2.5 महीने से तैयारी हम लोग कर रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं, तो बहुत मतलब वहाँ पो की स्थिति हो गई। क्या हो गया थोड़ी देर तो समझ में नहीं आया, फिर हम लोगों ने उसके बात की तो पता चला कि याचिका की वजह, आपके याचिका की वजह से वो मामला रुका है। तो आज सुबह मैं आया और मैंने, ये मेरे पास कागज़ है, मैंने हलफनामा अपना दे दिया है कि उसको वापस किया जाए। कोर्ट ने मान लिया है, कोर्ट कल उस पर फैसला दे देगी। इस मामले को लेकर के जब भारत निर्वाचन आयोग ने तारीखें नहीं अनाउंस की, लखनऊ में बात हुई, मुख्यमंत्री जी से कोई डिस्कशन हुआ या भूपेंद्र चौधरी जी से कोई बात हुई, किसी ने कुछ राय मशवरा दिया कि ऐसा नहीं, ऐसा कीजिए, आप अपनी याचिका वापस लीजिए? नहीं, देखिए वहाँ चुनाव पार्टी चुनाव चाहती है और वैसे भी इस्तीफा हो गया है, तो उसमें लड़ाई लड़ने का कोई विषय तो अब रह नहीं गया, अब वो सीट वैसे ही खाली है और हम लोग लड़ के उस चुनाव को जीतना चाहते हैं, कोर्ट के माध्यम से नहीं। कोर्ट का हमेशा सम्मान है, पर हम लोग उसमें तत्काल चुनाव चाहते हैं और वहाँ पर चुनाव हो और वहाँ भारतीय जनता पार्टी विजयी हो। लगता है कि अखिलेश यादव ने तो इस मामले को पूरा पॉलिटिकली बना दिया, भारत निर्वाचन आयोग ने अनाउंस नहीं किया, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि जंग हार रहे हैं आप, इसीलिए आप अनाउंस नहीं करा रहे हैं चुनाव वहाँ पर। ये हल्की बात है, बाकायदा नोटिस हुई, उधर से अवधेश प्रसाद जी के वकील आते थे, बड़े बड़े वकील खड़े किए जाते थे। इस बात से कोई कहे कि हमको जानकारी नहीं थी, ये गलत बात है, क्योंकि इस तरीके का मामला पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश का पहला मामला है। तो इसमें बहुत तरीके से गुण दोषों की जानकारी सही माने में किसी को बहुत अंदर तक नहीं थी कि क्या हो सकता है। ज़्यादातर लोगों का मानना था कि जब उससे इस्तीफा हो गया तो वो शून्य हो गया, चुनाव तो वहाँ वैसे होना था, तो चुनाव आयोग को, पर चूंकि चुनाव आयोग बड़ा है, उसने जो निर्णय लिया उसका सम्मान है और इसीलिए तो हम लोग कोर्ट में आए हैं, कल की डेट लगी है, कल उस पर निर्णय आ जाएगा। अंतिम सवाल, क्या उम्मीद है, क्योंकि 13 तारीख को मतदान होना है, अगर कल कुछ मामला आगे पीछे होता है तब फिर क्या होगा? अब देखिए आयोग के हाथ में है, हम तो चाहेंगे कि उसी डेट को चुनाव हो जाए, कल आर्डर मिल जाएगा मुझको, कल 2-3 बजे तक ऑर्डर आ जाएगा, ऑनलाइन होता है, हम लोग तत्काल चुनाव आयोग से लेके हर जगह उसको फैक्स करेंगे और चुनाव की मांग करेंगे कि तत्काल चुनाव हो जाए। बात करने के लिए शुक्रिया। बाबा गोरखनाथ, आप पूर्व विधायक थे और आपकी याचिका थी जिस पर भारत निर्वाचन आयोग ने अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर चुनाव कराने से मना कर दिया है। फिलहाल वो अपनी याचिका को वापस लेने के लिए लखनऊ आए हुए थे, हाईकोर्ट में उनकी आज की डेट लगी हुई थी, लेकिन वहाँ पर कल का समय दिया गया है। वकील भी हमारे साथ हैं बाबा गोरखनाथ के, आज कोर्ट में क्या रहा, किस तरीके से हेयरिंग रही और कल कितनी उम्मीदें हैं?
आज विड्रॉल एप्लीकेशन फाइल हो गई है, कोर्ट से ओरली मेंशन करके रिक्वेस्ट की गई, कोर्ट ने उस पर कल की तारीख लगाई है, कल उस पर सुनवाई करके कोर्ट अपना फैसला देगा। लगता है कि कल का समय है बड़ा कीमती समय है, क्योंकि 13 तारीख को पोलिंग भी होनी है, ऐसे में वक्त आपके पास बहुत कम है। अगर कल कुछ 19-20 होता है कुछ ऐसा, 19-20 होने का इसलिए सवाल नहीं क्योंकि एप्लीकेशन का टाइम फिक्स है कोर्ट में, वो 1:15 बजे टेकअप होगी, तो वो 1:15 बजे टेकअप होगी। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगर फैसला आपके फेवर में आ जाता है तो फिर आगे का प्रोसीजर क्या है? आगे का प्रोसीजर हम उस ऑर्डर को कॉपी निकाल के और निर्वाचन आयोग में देंगे कि साहब ये कोर्ट का फैसला आ गया, जिस बिहाफ पे आपने ये कहा था कि मामला कोर्ट में पेंडिंग है, सब जुडिस है, हम चुनाव नहीं करा सकते, तो उनको ये कहा जाएगा कि अब वहाँ से याचिका वापस ले ली गई है, तो अब कोर्ट पेंडिंग, मामला कोर्ट में पेंडिंग रहा नहीं, जब कोर्ट में पेंडिंग नहीं रहा तो वहाँ चुनाव कराए। तो वकील साहब सीधे तौर पर कहते हैं कि कल का इंतजार करना बड़ा महत्वपूर्ण है और उम्मीद है कि कोर्ट इसमें फैसला देगी और इस फैसले के बाद भारत निर्वाचन आयोग में वो कॉपी जमा कराई जाएगी और जल्द से जल्द चुनाव कराने का जो है वो अपील की जाएगी।